नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैव टू सॉल्व दिस इक्वेशन फॉर एक्स. सो यहां पर हम देखते हैं कि फर्स्ट मॉड्यूलस फंक्शन यूज हो रहा है, तो सबसे पहले तो हमें मॉड्यूलस को हटाना पड़ेगा. तो इसको हम दो केसेस में डिवाइड कर देते हैं. केस वन, व्हेन कॉस एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो. सो इन दिस केस कॉस एक्स विल ओपन विद पॉजिटिव साइन. सो कॉस एक्स इक्वल टू कॉस एक्स माइनस टू साइन एक्स. तो यहां से क्या आ गया हमारे पास, साइन एक्स इक्वल टू जीरो. तो एक्स क्या आएगा हमारे पास, एन पाई. नाउ हमें इसका इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा विद दिस इक्वेशन. नाउ कॉस एक्स पॉजिटिव चाहिए और साइन एक्स जीरो. तो हमें पता है कॉस एक्स का पॉजिटिव होगा फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट. तो एक्स के क्या क्या वैल्यूज हम ले सकते हैं, जीरो. देन पाई रिजेक्ट हो जाएगा बिकॉज कॉस पाई इज माइनस वन. अगला कौन सा आएगा, टू पाई, देन फोर पाई. तो इसीलिए इसका क्या आंसर आ जाएगा, टू एन पाई. एन क्या पर बिलोंग करेगा, इंटीजर. नाउ केस टू, व्हेन कॉस एक्स इज लेस देन जीरो. तो इस केस में कॉस एक्स किस साइन के साथ ओपन होगा, नेगेटिव. सो दिस इज कॉस एक्स माइनस टू साइन एक्स. तो अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करें तो यहां से क्या आएगा, माइनस टू कॉस एक्स विच इज इक्वल टू माइनस टू साइन एक्स. तो टेन एक्स क्या आ गया हमारे पास, वन. नाउ इसको अगर हम सॉल्व करें डायरेक्टली तो क्या आएगा, एन पाई प्लस पाई बाई फोर. नाउ फर्दर हमें सिर्फ वो ही सॉल्यूशन लिखने हैं जिनमें कॉस एक्स क्या होगा, नेगेटिव. तो अगर हम सपोज एन की वैल्यू जीरो लें तो पाई बाई फोर ये रिजेक्ट हो जाएगा. अगर हम एन की वैल्यू बन लेंगे पाई प्लस पाई बाई फोर तो कॉस एक्स क्या आएगा, नेगेटिव. तो पहला इसका आंसर क्या आएगा, पाई प्लस पाई बाई फोर. नाउ एन का वैल्यू अगर टू लिया तो टू पाई प्लस पाई बाई फोर ये किस क्वाड्रेंट में आया, फर्स्ट. अगेन कॉस कैसा आएगा, पॉजिटिव. तो वो रिजेक्ट हो जाएगा. फिर से एन का वैल्यू क्या रहेंगे, थ्री. थ्री पाई प्लस पाई बाई फोर थर्ड क्वाड्रेंट, इसमें कॉस क्या होता है, नेगेटिव. तो अगला क्या आएगा, थ्री पाई प्लस पाई बाई फोर. तो यहां से हमें पैटर्न पता चल रहा है, पाई का मल्टीपल कैसा आना चाहिए, ऑड. तो अगर इसको हम कंबाइंड फॉर्मेट में लिखेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं, टू एन प्लस वन पाई प्लस पाई बाई फोर एंड एन बिलोंग्स टू सम इंटीजर. और दोनों केसेस का हम क्या ले लेंगे यहां पर, यूनियन. तो केस वन यूनियन केस टू. तो क्या आंसर आएगा, एक्स बिलोंग्स टू टू एम पाई और एक्स बिलोंग्स टू टू एन प्लस वन पाई प्लस पाई बाई फोर.